वेरी अर्षी जी, बहुत दिनों के बाद आप मिल रहे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे, काफी वेट लॉस किया है आपने, क्या है कोई बड़ी फिल्म के लिए कोई किया है, क्या करना है बताना? जैसे कि मैं अभी रेसलर भी बन गई हूँ और रेसलिंग भी कर रही हूँ, तो एज अ रेसलर मैं अपना वेट रिड्यूस करना चाहती थी और मेरा वेट ऑब्वियसली थोड़ा बहुत रिड्यूस हुआ है अभी। एंड प्रोजेक्ट तो ऐसा है कि इंडस्ट्री के अंदर कभी भी आ सकता है, आपको पता है बिग बॉस का भी पता नहीं था कितनी बार जा चुके आ चुके। एंड अभी भी वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई, अभी भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो आए हुए हैं, और उसकी वजह से नहीं किया मैंने, रेसलिंग की वजह से वेट रिड्यूस किया। और आप भी आए हैं कि Of course, I'm feeling so good as always with her because she's super awesome, super cute and super hot. आप बहुत दिनों के बाद हम देखते हैं कि हर रोज सेलिब्रिटी स्पॉट होते हैं, लेकिन आप पिछले अगर हम 6 महीने की अगर हम बात करें तो स्पॉट ही नहीं हो रही है, ऐसा क्या कारण है कि आप स्पॉट नहीं हो रही? मैं शातिर हो गई हूँ आजकल, मैं चुप्पी में सुमड़ी में हूँ, मैं सुमड़ी में घूमड़ी, ठीक है? तो मैं सोच रही हूँ कि शांति से निकलो, शांति से अपना काम करो, जब कुछ बड़ी चीज़ आएगी तो मैंने शाहरुख खान का एक इंटरव्यू सुना था और उसमें उन्होंने बोला था कि जब कोई बड़ी चीज़ आएगी तभी मैं मीडिया को बुलाऊंगा, तो जब कुछ अच्छा आएगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को बुलाऊंगी। कई सारे सेलिब्रिटीज देखो, हर रोज करण और तेजस्वी देखो, हर रोज स्पॉटेड होते हैं, कुछ लोग सड़क पर भी मिल रहे हैं आजकल कपड़े उतार के। वो अभी उनके जाति मामला है, हम क्या दखल दें उनके अंदर, मैं नहीं जानती यार, मैं उसके जाति मामला में दखल नहीं देना चाहती और मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, लेकिन ये है कि वो उनकी लाइफ है, उनका चॉइस है, उनको कैसे जीना है। बट मेरा ये मानना है कि कम दिखो तो आवाम ज़्यादा पसंद करती है और आपको इज्जत अफजाई देती है और इज्जत से नवाजती है। फालतू चीज़ें बार बार, मतलब मैं रोज़ तुमको कॉल करके बुलाऊँ तो तुम्हारी नज़र में भी मेरा कोई वैल्यू नहीं रह पाए हैं, तुम बोलोगे रोज़ बुलाती है तो आप क्या कहना चाहिए लोग? उर्फी जावेद के बारे में हाल ही में कश्मीरा ने स्टेटमेंट दिया कि वो खाली कपड़े, हाफ कपड़े इस तरह के कहा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब उनको कौन पहचानता है इस तरह के, उनके ड्रेस को लेके कमेंट कर रहे हैं कई लोग, क्या कहना चाहेंगे? ड्रेस को लेकर तो मैं किसी के ऊपर भी कमेंट नहीं करती बिकॉज आई लव 90s और मैं अपनी 90s फाड़ देती थी तो मैं भी, मुझे 90s फाड़ने का, कपड़े ने मेरा डायलॉग तो था ना, मुझे कपड़े फाड़ने का, यू नो, तो किसी के बाप ने नहीं दिए, तो उसकी लाइफ है, वो कैसे भी कपड़े पहने, कहीं भी दिखे, स्पॉट हो, अब कुछ भी पहने। काफी नई नई फैशन डिजाइनिंग की कपड़े पहनती है वो, काफी इंटरनेशनल, तो इस तरह का कमेंट करना किसी के ऊपर क्या लगता है? मुझे, मैंने ना कमेंट्स देखे उनके, आप इंडिपेंडेंट है, आपके कोई गॉडफादर नहीं है, कल आपके ऊपर कोई कमेंट कर लेगा तो ये आपको नहीं लगता गलत है? इंडस्ट्री के लोग अब कश्मीरा ने किया ना शायद उनके ऊपर कमेंट, आई डोंट नो कश्मीरा का क्या सीन है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं किसी के कपड़ों पे कमेंट नहीं करती बिकॉज मेरे लिए मैं अभी कपड़े, यू नो वेरी वेल, BB11 हो, BB14 हो, मैं अपने हिसाब से कपड़े पहनती हूँ, मैं किसी के उस पर नहीं चलती हूँ। सो जो पहनना है पहनो, लेकिन मेरी तरफ से कोई कमेंट नहीं है, जैसा जीना जियो, आपकी ज़िंदगी, आपके ज़ाति मामलात हैं, उखाड़ दो। एक आखिरी है, आलिया भट्ट की शादी होने वाली है, आप लोग क्या कहना चाहोगे? आलिया और रणबीर की काफी धूमधाम की शादी है, वो काफी प्राइवेट शादी, सो गुड एंड बहुत ज्यादा खूबसूरत कपल है दोनों का ही, एंड आलिया भट्ट के बट मैं ये कहना चाहूंगी कि मीडिया को जरूर बुलाना, अगर आलिया प्लीज सुन रही हो, बिकॉज मीडिया आपको बहुत प्यार करती है, तो मीडिया को प्लीज अलाउ करना, बिकॉज मीडिया जो है वो बहुत सपोर्ट करती है सबको। आलिया भट्ट और रणबीर की जोड़ी आपको कैसी लगी? बहुत बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत, एक